हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति होती क्या है दोस्तों? आज के बाद में आपको त्रिकोणमिति में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आज के बाद में आपको सब कुछ आएगा। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन रखिए, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले मिले आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपको पता है त्रिकोणमिति होती क्या है। अब त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है दोस्तों? तीन। कोण मतलब होता है भुजा, और मिति मतलब होती है माप। मिति मतलब क्या होती है? माप, मतलब तीन भुजा की माप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजा की माप लेना। मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल होगा जिसकी तीन भुजा होगी। अब आपको पता है तीन भुजा वाली ट्रायंगल होता है त्रिभुज, लेकिन त्रिकोणमिति में दोस्तों समकोण त्रिभुज का यूज होता है हमेशा, और पूरी त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्रिक समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड करते हैं दोस्तों। अब आपको पता समकोण त्रिभुज होता क्या दोस्तों? समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, इसका ये कोण 90 डिग्री। अब इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप थीटा इसको लेते हो तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर या लंब। ठीक है दोस्तों, अगर आप थीटा ये लेते हो तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। दोस्तों समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। ठीक है, कर्ण। अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों? आधार। ठीक है, जिसके सामने वाली भुजा लंब होगी उसके विपरीत आधार, और सामने वाली कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी दोस्तों? कर्ण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइन कोस थीटा होता क्या है। दोस्तों साइन कोस थीटा ऐसा है कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कुछ तो इनकी भुजाओं के मध्य कुछ तो ऐसा अनुपात होगा, वही अपना क्या कहलाता है? साइन कोस थीटा। देखो दोस्तों इनका अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात होगा दोस्तों, अब ये देखो आधार को अपन डिनोट करते हैं एल से, कर्ण को डिनोट करते हैं के से, और लंब को डिनोट करते हैं, आधार को करते हैं ए से, और लंब को करते हैं एल से। ठीक है दोस्तों, अब इनके मध्य अनुपात क्या होगा दोस्तों? एल, लंब के मध्य अनुपात के, इनके मध्य क्या अनुपात होगा दोस्तों? इनके मध्य अनुपात ही होगा साइन थीटा। लंब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंबे बटा करण बराबर क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप हम ऐसे लिखेंगे आधार बटा करण क्या होगा? कोस थीटा। इसी प्रकार लंब बटा आधार, ये क्या होगा? टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अनुपात, इनकी भुजाओं के मध्य अनुपात है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट। अब आपको ये देखना कि सेक कोसेक और टेन होता क्या दोस्तों। अब आपको ये ध्यान देना है पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति इस पर टिकी हुई। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? ये क्या है? ये है लाल बटा कक्का, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इस पर टिकी। अब आपको इसका मतलब होना चाहिए, एल का मतलब क्या होता है दोस्तों? लंब, जो अपना ये रहा। ए का मतलब क्या होता है? आधार। ठीक है दोस्तों, और के का मतलब क्या होता है? कर्ण। ये रहा दोस्तों आपका, ये हो गया। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे याद करते हैं दोस्तों? आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया था मैंने लंब बटा करण क्या होता है? साइन थीटा। तो दोस्तों ये लंब बटा करण क्या हो जाएगा? अपना
साइन थीटा। इसी प्रकार आधार बटा कर्ण क्या होगा? कोस थीटा। इसी प्रकार लंब बटा आधार क्या होगा अपना? टेन थीटा। तीन के अनुपात हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। अब दोस्तों आपको ये याद रखना है कि विपरीत किसी भी चीज का विपरीत या विलोम आपको पता है, कोई भी संख्या दो है इसका विलोम क्या होगा? एक बटा दो। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार इनका विलोम क्या होगा? साइन का विलोम करना अपन को, तो साइन का उल्टा क्या होगा? के एल बटा करण, इसका बटा क्या होगा? उल्टा करण बटा लंब। और ये क्या कहलाएगा दोस्तों? कोसेक। तो इधर से पढ़ेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? करण बटा आधार। ये हो जाएगा सेक थीटा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब आप बोलेंगे सर इनको याद कैसे करें? इनका याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम बार बार इनको भूल जाते हैं, तो इनको याद कैसे करें? इनको याद करना तो साइन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा, इसके बाद में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। दोस्तों इनको याद कैसे करें? अब आपने सबसे पहले बताया साइन सबसे बड़ा है, आपने कभी भी सुना होगा तो सब यही बोलते हैं साइन थीटा वाली, साइन कोस टेन थीटा वाली प्रश्नावली बहुत कठिन है, साइन कोस। तो सबसे पहले साइन का नाम आता है, साइन क्या होगा? सबसे बड़ा हो गया। अब ये दो परिवार हो गए, एक और एक दो। अब आपको पता सबसे बड़ा, इनमें भी सबसे बड़ा क्या है? कोसेक, क्योंकि वैसे ही दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा नंबर है, सबसे बड़ा कोसेक। तो साइन किसके पास आएगा? सबसे बड़े के पास, इनकी मित्रता इससे है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं बड़े बड़े। अब भाई ये दोनों हो गए, साइन किसका उल्टा है? साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो गया? साइन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रहा है टेन, कोसेक किसके संग घूमेगा? कोसेक घूमेगा जिसका इससे सेम है। देखो इसका सी और एस और इसका सी और एस दो दो मिल रहे ना, ये इसका उल्टा हो गया, कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा क्या हो गया? कोसेक थीटा। अब इसमें पता टी और टी, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो टेन थीटा किसके विपरीत हो गया दोस्तों? टेन थीटा विपरीत हो गया कोट थीटा। तो ऐसे इनको याद करना दोस्तों, साइन उल्टा होता कोसेक का, कोस उल्टा होता सेक का उल्टा कोस, टेन होता कोट का उल्टा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोणों ए बी सी, आपने थीटा ये लिया है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा करण, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको आयल से। और ये क्या हुई? आधार, आधार को एस, ये 90 डिग्री है हुई। अब दोस्तों आप इसमें आपको पाइथागोरस, पाइथागोरस ये वैज्ञानिक था जर्मन, पाइथो लंब और आधार के वर्गों का योग करण के बराबर होता है। अब दोस्तों ये सिद्ध करना आपको कैसे? अब आपको दे रखा है कि ये नंबर तीन और ये चार, और अपने को क्या निकालना है? करण। तो दोस्तों सीधी सी बात है, करण निकालना तो वैसे के वैसे ही, लंब लंब क्या? तीन, तीन का स्क्वायर और इधर चार का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर हो गया 9 और चार का हो गया 16। स्क्वायर मतलब खुद को खुद से ही मल्टीप्लीकेशन करना है दोस्तों, 16 9 25, तो करण स्क्वायर क्या हो गया? 25। दोस्तों अगर आप लोग को करण निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट 25 किसका होता है? 5। तो करण क्या हो गया दोस्तों? 5। त्रिकोणमिति में यही अनुपात है 3 4 और 5, इसके बाद में कोई भी सीरियल नंबर नहीं आया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसी से आप सब कुछ निकाल सकते हो, करण निकाल सकते हो, लंब निकालना दोस्तों तो लंब स्क्वायर, करण स्क्वायर, और ये प्लस में तो आधार इधर आते क्या होगा? माइनस में। वैसे आपको आधार निकालना है तो करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले इसी के हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वेल डन। ठीक है।